मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। डेली 2 बजे आपको जो रीजनिंग की क्लास मिलती है उसके अंदर ये क्लास हमारी 47 रहेगी। ऑलरेडी 40 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है और उनको प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया गया है। आपका जो भी रीजनिंग का चैप्टर वीक है आप लोग वो रीजनिंग का चैप्टर वहां से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई अभी से भी DRDO की तैयारी करना शुरू करती है, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ DRDO के लिए, अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करते हो, आपने अगर पहले तैयारी नहीं करी है तो भी आप आराम से रीजनिंग कवर कर सकते हो, क्योंकि अभी DRDO की कोई भी एग्जाम डेट नहीं आई। अगर पेपर जो होगा वो मार्च के एंड तक कोई एग्जाम डेट इसकी आएगी और मार्च एंड तक अभी तक 47 क्लासेस हो चुकी है, हर क्लास 20 से 25 मिनट की होती है। एक दिन के अंदर आप 3 या 4 क्लासेज अगर सुनोगे तो आपका सिलेबस आराम से पूरा हो जाएगा और रीजनिंग में आपके 35 में से 35 नंबर आएंगे, इस बात की गारंटी है। अगर पहले नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी आएगा, लेकिन बस आपको ऑनलाइन टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपका स्कोर अच्छा नहीं बनेगा, आपके नंबर जो है वो कट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं, कल हमने किया था मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में उतना ही था। आज का जो टॉपिक है ये है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट का ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, 2 या 3 पार्ट के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट होगा। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो पेपर होते हैं उसके अंदर 5 से 6 नंबर के सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC MTS का हो, चाहे वो रेलवे का हो, CBSE का हो, DMRC का हो, कोई भी पेपर हो या DRDO का हो, हर पेपर में आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में बोलते हैं बैठने की व्यवस्था। इसमें जो सम पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं या तो लाइन पे कि कुछ एक पर्सन आपको दे देंगे उनको लाइन में आपको बिठाना होगा, या फिर जो सम पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं वृत्त में, लाइन में और वृत्त में। मैं बैंकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, जो स्टूडेंट बैंकिंग की तैयारी करते हैं उसमें तो जो सीटिंग अरेंजमेंट और जो पजल है वही आता है 25 से 30 नंबर का, उसका जो लेवल है वो बहुत ऊपर होता है, क्योंकि मैं खुद बैंकिंग की तैयारी करवाती हूँ, खुद भी मैं बैंकिंग के एग्जाम देती हूँ, तो यहाँ पे उसका जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो लेवल होता है ना वो बहुत अपर लेवल का होता है, वो लेवल यहाँ पे नहीं आता है। इसमें बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता वो क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, क्योंकि जो SSC वाले बच्चे होते हैं या रेलवे वाले बच्चे होते हैं वो कभी सीटिंग अरेंजमेंट को सीरियसली नहीं लेते हैं, उनको लगता है ये टॉपिक जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब मैं आपको कराऊंगी उसके बाद से आपको सीटिंग अरेंजमेंट कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा, चाहे कैसा भी समय आप आराम से उसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज के इस पार्ट में हम करेंगे लाइन वाले सब। ठीक है, लाइन में बिठाना होगा, पहले थ्योरी समझिए उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक लाइन में कुछ बंदों को बिठाना होगा, जैसे मैंने बोल दिया आपको ए से लेके ई तक 5 persons है, ए से लेके ई तक 5 persons है और उनको एक लाइन में बिठाना है, उनको एक लाइन में बिठाना है सभी को। ठीक है, ए से लेके ई तक 5 बंदे हैं, 5 दोस्त हैं, उनको एक लाइन में बिठाना है। ठीक है, अब मैंने एक लाइन बना दी यहाँ पे, ये मैंने एक लाइन बनाई, कितने बंदों को बिठाना है, 5 बंदों को बिठाना है। अभी मैं सिर्फ थ्योरी बता रही हूँ, क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। 5 बंदे बिठाने हैं, आप 5 बंदे यहाँ पे इस प्रकार से बिठा दो, ये मैंने 5 बंदे यहाँ पे बिठा दिए। ठीक है, अब वो यहाँ पे 6 भी बोल सकता है, 7 भी बोल सकता है और 8 भी बोल सकता है, मैक्सिमम वो 8 बोलेगा अगर पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है तो, वरना वो 5, 6 और 7 तक रहेगा। ठीक है, अब 5 बंदों को बिठाना है, इस लाइन में मैंने 5 बंदे बिठा दिए यहाँ पे, अगली लाइन में वो या तो कुछ बोलेगा ही नहीं या वो ये बोलेगा सबका फेस, सबका जो मुंह है, इन 500 बंदों का जो फेस है वो किस साइड है, उत्तर की साइड है, यानी कि नॉर्थ की साइड है। ठीक है, या वो ये बोलेगा सबका फेस जो है वो किस साइड है, सबका फेस है दक्षिण की साइड, यानी कि साउथ में। दो ही बनते हैं यहाँ से, या तो वो बोलेगा आपको नॉर्थ में है सबका फेस, या वो बोलेगा आपको साउथ में है। ज्यादातर जो आते हैं वो नॉर्थ वाले आते हैं, लेकिन मैं आपको साउथ वाला भी बता दूंगी ताकि बिल्कुल भी गलती होने के चांसेस ही ना रहे। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे ए पंक्ति के, ए लाइन के मध्य में बैठा है, ए लाइन के मध्य में बैठा है, ये पहली लाइन मैंने आपको बोली है, ए लाइन के मध्य में बैठा है। ठीक है, और सबका फेस कहाँ पर है, पहली कंडीशन ये है सबका फेस उत्तर में है, दूसरी कंडीशन ये है सबका फेस दक्षिण में है, दो कंडीशन है, तो मैंने यहाँ पे 2 लाइनें बनाई, क्योंकि 2 सम हमें एक साथ लेके चलेंगे।
ओके अब पहली लाइन में क्या बोला गया है, ए लाइन के मध्य में बैठा है, बंदे कितने हैं, पांच है, पांच है तो बिल्कुल मध्य कौन सा होगा, ये वाला, दो इस साइड से छोड़ेंगे, दो इस साइड से छोड़ेंगे, ये मध्य हो गया, यहाँ कौन बैठा है, ए बैठा है, यहाँ भी दोनों साइड छोड़ दी मैंने, यहाँ कौन बैठा है, ए बैठा है, ठीक है। ये वो कंडीशन है जिसमें सबका फेस कहाँ पर है, उत्तर की साइड है, ये वो कंडीशन है जिसमें सबका फेस कहाँ पर है, दक्षिण की साइड है, ठीक है। अब उत्तर की साइड है तो आप इस प्रकार की एरो दे सकते हो, और दक्षिण में देख रहे हैं तो आप इस प्रकार का एरो दे सकते हो, ठीक है। अब अगली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, अगर मैं आपको बोलती हूँ बी ए के दाएं, बी ए के दाएं, दाया यानी कि राइट, ठीक है, बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है यहाँ पे समझने के लिए, ए का दाया कौन सा होगा, ये बंदा ए है, इसका दाया कहाँ होगा, अगर ये फेस ऊपर की साइड करके बैठा है, यानी इसका फेस ऐसे ही है, ऊपर की साइड है यानी नॉर्थ में है, तो ए का दाया कौन सा होगा, इस साइड, और ए का बाया कौन सा होगा, इस साइड, ठीक है। अगर ए दक्षिण में मुंह करके बैठा है, यानी ए का फेस नीचे की साइड है, तो ए का दाया ये हो जाएगा और ए का बाया ये हो जाएगा, ये चीज आपने ध्यान से सोचनी है, दाया और बाया यानी राइट और लेफ्ट, अगर ए ऐसे देख रहा है तो आपका राइट इसका राइट होगा और आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट होगा, लेकिन अगर ए नीचे की साइड देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यहाँ उल्टे, यहाँ पे आप स्टैंड करके देखिए, ये राइट है और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बोला गया है, बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, अब ए का दाया इस साइड हो जाएगा, अब दूसरा स्थान इसको खुद को नहीं गिनना है आपने, आपने यहां से गिनना है पहला और दूसरा, यहाँ कौन बैठा है, बी बैठा है, क्योंकि सबका फेस कहाँ पर है, उत्तर में है, ठीक है। अगर ए का फेस नीचे है यानी दक्षिण में देख रहा है, अब ए का दाया इस साइड हो जाएगा, तो एक छोड़ के यहाँ कौन बैठा है, बी बैठा है, आया समझ में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि दाया और बाया आप किसके हिसाब से लोगे, जैसे डायरेक्शन दे रखी है, अगर वो बोल रहा है कि उत्तर की तरफ मुंह है तो उसकी साइड से, अगर वो बोल रहा है साउथ में यानी दक्षिण की तरफ उनका फेस है तो उसके हिसाब से लेना है, आगे समझ में। पहली लाइन तो आपको ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वो आपसे क्या बोलेगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपसे एक चीज और मैं आपको समझाती हूँ इसी के अंदर। अभी हम लेते हैं कि सबका फेस कहाँ पर है, उत्तर के अंदर है, और पांच बंदे हैं और एक लाइन में बैठे हैं, उसके बाद मैंने दे दिया बी ए लाइन के मध्य में बैठा है, यानी कि ए पंक्ति के मध्य में बैठा है, मध्य में बैठा है, और उसके बाद अगली लाइन में मैंने दे दिया बी ए का पड़ोसी है, बी ए का पड़ोसी है, ये मैंने लाइन दे दी। अब मैंने आपको बोला है इसको सीटिंग अरेंजमेंट में बिठाओ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक लाइन आपने बनाई, उसमें टोटल बंदे कितने बैठे हैं, पांच बंदे बैठे, पांच बंदों को बिठा दिया, पहली लाइन आपने पढ़ी, ए पंक्ति के मध्य में बैठा है, तो ए यहाँ हो जाएगा, और सबका फेस कहाँ पर है, उत्तर की ओर सबका फेस है, तो ये आपने उत्तर की ओर सबका फेस यहाँ पे बना दिया, ठीक है। सबका है तो सबको भी बना सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको ऊपर की साइड बना सकते हो, ओके। अगली लाइन में बोला गया बी ए का पड़ोसी है, अब ध्यान से सोच के बताइए मुझे बी को मैं कहाँ बिठाऊं, बी जो है वो ए का पड़ोसी है, बी यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि ए का पड़ोसी तो ये भी है और ए का पड़ोसी ये भी है, दोनों साइड हो सकता है बी। अब हम कहाँ पे बिठाएं, या तो आप सोचते रहिए और अगली लाइन पढ़िए, अगली लाइन से हिंट निकालिए, अगर अगली लाइन से हिंट निकालने से अच्छा है आप एक लाइन और बना लो उसी टाइम, क्योंकि हमारे पास बी की दो जगह आ रही है, यहाँ पे तो ए ही बैठेगा, ए को मैंने बिठा दिया, बी ए का पड़ोसी है, या तो बी यहाँ पे बैठेगा तो मैंने एक बार यहाँ पे बिठा दिया, या बी यहाँ पे बैठेगा तो मैंने एक बार यहाँ पे बिठा दिया, मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैंने दोनों साइड से बी को बिठा दिया, ठीक है। अगली लाइन में ये कुछ ना कुछ बोलेगा, अगली लाइन में वो ये बोलेगा जो ई है वो अंतिम छोर पर नहीं बैठा, ई जो है वो अंतिम छोर पर नहीं बैठा, पर नहीं बैठा, ई अंतिम छोर पर नहीं बैठा। अब ई अगर अंतिम छोर कौन से होते हैं, किनारे, दोनों किनारे, ठीक है। अंतिम छोर का मतलब ये भी अंतिम छोर है और ये भी अंतिम छोर है, ठीक है, दोनों अंतिम छोर है। ई अंतिम छोर पे नहीं बैठा, ना तो ई यहाँ बैठेगा ना ई यहाँ बैठेगा, तो ई यहाँ बैठ जाएगा नीचे वाले के अंदर, ना ई यहाँ बैठेगा ना ई यहाँ बैठेगा, तो यहाँ पे ई यहाँ पे बैठ जाएगा, आगे समझ में, इतना क्लियर है। अगली लाइन में वो कुछ ना कुछ इस प्रकार से बोलेगा कि हमारा जो है एक डायग्राम अपने आप ही कट हो जाएगा, डायग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन बच गया हमारे पास, सी ले लेते हैं हम, सी सी जो है वो अंतिम दाई ओर, सी जो है दाई छोर पर नहीं बैठा, सी दाई छोर पर
नहीं बैठा और बी का पड़ोसी भी नहीं है, बी का पड़ोसी भी नहीं है। सी जो है वो दाएं छोर पर नहीं बैठा और बी का पड़ोसी भी नहीं है, यानी सी बी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, हमने स्टेटमेंट दे रखी है। अब सी जो है वो दाएं छोर पे, अब एक बात और ध्यान रखनी है, ये छोर कौन सा है हमारा, ये कॉर्नर कौन सा है, ये हमारे पास लेफ्ट कॉर्नर होगा, ये हमारे पास कॉर्नर कौन सा होगा, राइट कॉर्नर होगा, यानी ये दाया साइड है और ये हमारे पास बाया साइड है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। अब बोला गया है सी दाएं छोर से, दाएं छोर पर नहीं बैठा, यानी सी यहाँ पे नहीं बैठेगा, और क्या बोला है, और वो बी का पड़ोसी भी नहीं है, बी का, अब सी यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा तो सी यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। नीचे वाले में देखते हैं, सी यहाँ बैठेगा नहीं और सी जो है वो बी का पड़ोसी भी नहीं है, तो ना तो मैं सी को यहाँ बिठा पाऊंगी और ना ही मैं सी को यहाँ बिठा पाऊंगी, तो ये डायग्राम तो मेरा कट हो गया। इस डायग्राम से हमें ये पता चला है सी जो है वो दाएं छोर पे नहीं बैठा, यहाँ बैठेगा नहीं और बी का पड़ोसी भी नहीं है, तो सी तो यही बैठेगा। अब एक बचा हुआ है हमारा कौन सा, डी, डी यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, उसको टुकड़ों में बांटना है और फिर हमें सोल्व करना है। अगर आप दो डायग्राम साथ लेके चलोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर एक ही डायग्राम साथ लेके चलोगे तो आपको सोचना पड़ेगा और उस चक्कर के अंदर हमारा टाइम निकल जाएगा। ये जो टॉपिक है रीजनिंग का ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिस मांगता है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये टॉपिक समझ में आएगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन को देख के ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं। छोड़ने से क्या हो जाएगा, आप छोड़ दोगे लेकिन बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं जिनको डीआरडीओ में या रेलवे में जॉब चाहिए वो तो नहीं छोड़ेंगे ना, तो छोड़ना नहीं है, मेहनत करनी है। नहीं समझ आता तो कमेंट करना, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया सारा कुछ यहाँ पे, अब मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगी, आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद बना के देखना, अगर फिर भी ना बने तो उसके बाद सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिखूंगी मैं यहाँ पे, फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होंगे। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है पांच दोस्त ए बी सी डी और ई, पांच दोस्त हैं ए बी सी डी और ई, एक लाइन में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक लाइन में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि फेस करके बैठे हैं। उत्तर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उत्तर को बोलेंगे भी नॉर्थ, ठीक है, और ये हो जाएगा फेस, फेस करके मुंह करके बैठे हैं। ये पहली लाइन हमें दे रखी है यहाँ पे। उसके बाद अगली लाइन है ए लाइन के अंतिम छोर पर बैठा है, ए लाइन के अंतिम छोर पर बैठा है, यानी कि बिल्कुल किनारे पे बैठा है, ये पहली लाइन है। अगली लाइन में ए के एकदम दाई ओर सी है, ए के एकदम दाई ओर सी है, ए के एकदम दाई ओर सी है। नेक्स्ट लाइन में दे रखा है ई दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा यहाँ पे। और अगली लाइन लास्ट लाइन है डी किसी भी छोर पर या किनारे पर नहीं बैठा। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है, एक बार इसको खुद से ट्राई करना, बिल्कुल आराम से ये बन जाएगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ना, इसको 2-3 मिनट ट्राई करना, फिर ना बने तो सॉल्यूशन देखना, ठीक है। करेंगे क्या हम क्वेश्चन को शुरू, कैसे करेंगे, पांच दोस्त हैं और किस में बैठे हैं, सारे के सारे एक लाइन में, मैंने यहाँ पे एक लाइन बना ली, ठीक है। अब इसी प्रकार की मैंने एक लाइन और बना ली क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है, कितने दोस्त बैठे हैं, पांच, तो यहाँ पे पांच लाइंस बना दो, पांच लाइन मैंने बना दी, यहाँ पे भी मैंने पांच लाइन यहाँ पे बना दी, ठीक है। ये मेरे पास बायां छोर है और ये मेरे पास दायां छोर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद सभी के सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो मुझे पता चल गया सबका फेस उत्तर की ओर है।
नेक्स्ट है हमारे पास ए लाइन के अंतिम छोर पर बैठा है। पहली लाइन हमने पढ़ी, ए जो है वो लाइन के अंतिम छोर पर बैठा है। अब अंतिम छोर कौन सा होगा? ये भी अंतिम छोर है और ये भी अंतिम छोर है। अब मैं ए को यहाँ बिठाऊं या ए को यहाँ बिठाऊं, क्वेश्चन शुरू तो करना पड़ेगा मुझे। अब मैं सोचने से अच्छा क्या करती हूँ, एक बार मैंने ए को यहाँ बिठा दिया और एक बार मैंने ए को यहाँ बिठा दिया, मैंने दो डायग्राम ले लिए, दोनों में मैंने एक साथ ही इनको बिठा दिया, ठीक है। पहली लाइन खत्म होगी, उसके बाद ए के एकदम दाई ओर, दाई ओर यानी राइट साइड, एकदम इमीडिएटली ए के एकदम दाई ओर कौन बैठा है? सी बैठा है। अब यहाँ पे ए है, ऊपर की ओर देख रहे हैं सारे, ए का दाया, ये ए का दाया है, वो भी एकदम इमीडिएटली दाई ओर कौन बैठा है? सी बैठा है, तो मैंने यहाँ पे बिठा दिया सी को, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे ए बैठा है इस डायग्राम में, ए का एकदम दाया इस साइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई और है ही नहीं, क्वेश्चन खत्म है, यही तक है हमारे पास, अंतिम छोर पे तो यही था, यानी ये डायग्राम हमारा कट हो गया, यानी ए यही पे बैठेगा, ठीक है। अगली लाइन में क्या बोला गया है, ई दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, दाया छोर ये है, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, पहला स्थान ये है और दूसरा स्थान ये है, यहाँ पे कौन बैठेगा? ई बैठेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डी किसी भी छोर पर नहीं बैठा, डी किसी भी छोर पे नहीं बैठा, यानी डी कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, तो डी यहाँ पे बैठेगा। अब एक बंदा बच गया हमारा, कौन सा? बी, तो बी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, आ गया समझ में। अब ये पूरा डायग्राम बना लिया, इसके ऊपर फिर नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, दोनों किनारों पे कौन बैठा है? दोनों किनारों पर या अंतिम छोरों पर कौन बैठा है? दोनों किनारों पर कौन बैठा है, ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों किनारों पे कौन बैठा है? तो आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी, जिस ऑप्शन में ए और बी होगा वो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन वो यहाँ से क्या पूछ सकते हैं, सी के दाएं, सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब सी यहाँ पे है, सी का दाया कौन सा होगा? इसी साइड पहला और दूसरा कौन बैठा है? ई बैठा है, ठीक है। या फिर ये पूछ लेंगे बी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी का बायां, इस साइड हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा, क्या आंसर आ जाएगा? सी आ जाएगा। या ये पूछेंगे ए और ई के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? ए और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? दो बैठे हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक बार डायग्राम बनाने के बाद कितने भी क्वेश्चन पूछे जाए आप उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी लाइन में तो पूछ लेना, क्योंकि टॉपिक को छोड़ना नहीं है आपने, करना है। जो मेरे चैनल से रीजनिंग कर रहे हैं उनको तो 100% करना है, आपको रीजनिंग के अंदर कोई भी नंबर कट नहीं करवाना, चाहे कहीं से भी हो, इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आप कोई भी बुक, जो भी आपके पास बुक हो या ऑनलाइन, कहीं से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल भी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, पांच दोस्त हैं और जो दोस्त है वो सारे के सारे किस में बैठे हैं? अभी एक लाइन में बैठे हैं और कुछ भी नहीं बोला, तो आपने मानना क्या है? सबका फेस कहाँ पर है? उत्तर की तरफ है। और पांचों दोस्त के नाम दे रखे हैं अभी, ए बी डी ई और एफ, ये नाम दे रखे हैं ए बी डी और एफ, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है एफ लाइन के मध्य में बैठा है, एफ लाइन के मध्य में बैठा है। मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करना, जैसे मैं लिख रही हूँ आप लोग ड्रॉ करिए, बनाइए और नीचे फिर मुझे सीरियल वाइज लिख देना कमेंट के अंदर कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में है ई एफ का पड़ोसी है, ई एफ का पड़ोसी है और ई एफ का पड़ोसी है और दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, और दाएं यानी कि राइट, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है, ये देखते हैं हमें। अगली लाइन में ई के बाएं, ई के बाएं तीसरे स्थान पर, ई के बाई तीसरे स्थान पर डी बैठा है, ई के बाई तीसरे स्थान पर डी बैठा है। और उसके बाद है ए बी के दाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है, ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। आराम से इसको ट्राई करो बनाने की,
आराम से बनेगा ये, ठीक है। पूरा क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई करना फिर सोल्यूशन देखना। एक लाइन में बैठे हैं, एक लाइन मैंने बनाई, एक लाइन और बना दी मैंने यहाँ पे। पांच बंदे बैठे हैं, पांच बंदे बना दिए मैंने यहाँ पे, ये 500 बंदे बना दिए। पहली लाइन में क्या बोला गया है, एफ लाइन के मध्य में बैठा है, एफ यहाँ बैठेगा, फिर सबका फेस उत्तर में है, एफ लाइन के मध्य में बैठा है। अगली लाइन में ई एफ का पड़ोसी है, अब ई यहाँ भी हो सकता है और ई यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने दो बनाए थे, ई को यहाँ बना दिया, एक बार मैंने ई को यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ई एफ का पड़ोसी है। और अब ये जो और यूज किया गया है ना, ये किसके लिए यूज किया गया है, ई के लिए। दो चीजें होती है, या तो वो यूज करेगा जो, ठीक है, या फिर वो यूज करेगा और। अगर यहाँ पे होता ई एफ का पड़ोसी है जो कि दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब जो ये, अगर ये जो होता तो जो किसके लिए यूज होता है, बिल्कुल अपने पास वाले के लिए, यानी कि जो यूज होता एफ के लिए, यहाँ एफ की बात होती। लेकिन अगर और या तथा यूज किया गया है तो वो होता है बिल्कुल पहले वाले के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ जो के लिखा होता तो एफ को लेते हैं हम, अगर यहाँ और लिखा हुआ है तो ई को लेके चल रहे हैं, यानी ई की बात हो रही है। ई एफ का पड़ोसी है, और मतलब ई जो है वो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर यहाँ जो की होता तो यहाँ पे एफ जो होता ना वो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर होता है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अभी यहाँ पे और लिखा हुआ है, ई जो है वो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, यानी राइट कॉर्नर से दूसरे स्थान पर है। ये पहला कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर हो गया, तो यहाँ पे ई बैठा है, लेकिन इसमें तो ये राइट कॉर्नर है, दूसरे स्थान पर बिठाना है तो दूसरे पे तो बैठा ही नहीं, तो ये हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। अगली लाइन में दिया गया है ई के बाएं तीसरे स्थान पर डी बैठा है, ई का बायां, एक दो तीन, यहाँ कौन बैठेगा, डी बैठेगा। ए बी के दाई और तीसरे स्थान पर बैठा है, ए जो है वो बी के दाई और तीसरे स्थान पर बैठा है। अब दो स्टेटमेंट, दो पोजीशन पड़ी है, अगर मैं यहाँ पे ए को बिठा दूं, ठीक है, तो ए जो है वो बी के दाई और बैठा है, यहाँ बी बैठेगा, लेकिन ये बी का क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। हमें बी का दायां चाहिए, बी का दायां चाहिए, तो ये होगा हमारे पास बी, बी के दाई और तीसरे स्थान पर ए बैठा है, एक दो तीन, यहाँ कौन बैठेगा, ए बैठेगा। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा डायग्राम बनेगा, पहले डी आएगा, फिर बी एफ ई ए। जिस जिसका ये आंसर आया है उसका बिल्कुल ओके है, जिसका कुछ और आया है वो दोबारा से ट्राई करिए, आपका आंसर जो है वो सही आना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, दोनों किनारों पे कौन बैठा है, ए और डी बैठे हैं, बी और ई के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है, ए के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एक दो तीन बी बैठा है, ठीक है, डी के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, एक दो तीन चार, आंसर क्या जाएगा, ए बैठा है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, आपको बस ध्यान क्या रखना है, पूरी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, और किसके लिए यूज होगा, जो किसके लिए यूज होगा वो मैंने आपको बता दिया। अगर ये बोले कि वो उसका पड़ोसी है तो पड़ोसी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दो डायग्राम बना लो, एक अपने आप कट हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आपको ये वाले क्वेश्चंस जो है वो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। आराम से इनकी प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन अभी, ये टॉपिक खत्म नहीं हुए हैं, आज मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से कराए हैं। कोई भी बुक उठाइए, उसमें से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लाइन वाला एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं आपको वृत्त वाले संभे कराऊंगी, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, वीडियो पसंद आए, क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।